मेरे लिए सबसे बड़ा शौक वाली बात, बोलते ना एक कि बाजू में भी बैठे थे, ऐसा लगा कि मैं सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे पाप मुझे पता है जब उनका मूवी आया था हमसे मुकाबला बहुत पहले, तो पापा ने बहुत सारे पैसे जमा करके फिर पूरे फैमिली को मेरे लिए वो मूवी दिखाया था। कैसा लगा जब आप? तो ऐसा था यार प्रभु सर बहुत भीड़ में, दूर से भी मुझे दिख गए ना, एकदम दूर से मैं भीड़ में पीछे खड़ा हूँ दिख गए ना, वो मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात। लेकिन जब रेमो सर ने बोला कि हमारी मूवी में प्रभु सर है, तो एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि यार सच में बोलते ना, हुआ सर ऐसा ऐसा अच्छा लगा मन को। और फिर मैं प्रभु सर को ये बात शूट के टाइम में बताया, मुझे प्रभु सर हम आपका मूवी, पापा ने पैसे कलेक्ट किए थे और फिर उसके बाद हम लोग मूवी देखने गए, तो सर ने उसी टाइम पर बोला था मुझे पापा से बात करना, तो फट उसी टाइम पर रात को 11 बजे फ़ोन किया और पापा को ऐसा कि चलो शूट कर रहा है प्रभु सर के साथ तो बहुत बड़ी बात है, पर रात को फ़ोन आया हेलो हाँ कौन, मैं प्रभु सर बोल रहा हूँ प्रभु देवा। 5 मिनट तो मेरे पापा भी शॉक में चले गए थे कि ये चीज़ क्या होगी, लाइक कि उन्होंने फ़ोन किया ऐसा। तो वो सब मोमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़े थे यार, बहुत अच्छे थे, मेरे बहुत अच्छा लगा कि मैंने प्रभु सर के साथ में रहा और बहुत सब सीखने मिला मुझे। सर कोई एक स्टाइल के लिए आप बोलो वो स्टाइल का तो मैं बता सकता, लेकिन पूरी पूरी स्टाइल में आप बोलने जाओ तो फिर मैं सब स्टाइल का अलग अलग, जैसे शरद जी हैं इंडियन स्टाइल में उनको कोई नहीं पकड़ सकता, वैभवी जी हैं जो इंडियन स्टाइल और बॉलीवुड का मिक्स करके जो है वो उनको नहीं पकड़ सकते, रेमो सर हैं इनको हिप हॉप में कोई नहीं पकड़ सकता, फरा मैम हैं उनके जो स्लो मोशन वाले जितने भी टेकिंग वो लेते हैं, जैसे अभी आए इश्क वाला लव और उनने शुरुआत की थी वो पहला नशा जो अभी भी हिट है वो, मतलब सब लोग का अलग अलग फ्लेवर है, आप लोग भी जितने बैठे हैं सब लोग का अलग अलग फ्लेवर है काम करने का, तो वो चीज़ है। हाँ क्रिकेटर हो तो मैं बोल सकूँ कि क्रिकेटर में कौन है, जिस जो एक ही चीज़ कोई कर रहा है तो उसका खुद में बोल सकता हूँ। गाने भी देखो तो अभी ऐसे हो रहे हैं कि पुराने गाने को थोड़ा रिमिक्स करके उस पर परफॉर्म हुए जा रहे हैं, फिर बहुत सी पुरानी पुरानी जो स्टाइल है वो यूज़ हो रही है, लाइक ग्लैस, एक छोटा सा बोलूँ मैं ग्लैस देखो, पहले जो पुराने ज़माने में ग्लैस पहनते थे आज वो फैशन हो गया, लाइक यंगस्टर पहनते हैं, बहुत सब ऐसी चीज़ें जो पुरानी से अभी नए में आ रही है, एंड मैं तो मानता हूँ ये चीज़ पर, और मैंने खास करके ज़्यादा परफॉर्मेंस ऐसे पुराने गानों पे दिया DID में, जब जीतू जी आए थे तब दिया और हेलन जी आए थे तब दिया था, तो मैंने तो किए डांस उस पर।